इमरान खान इस अहम मामले पर भी पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहे। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में शदीद गर्मा गर्मी हुई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली को जूता मारने की धमकी दी, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए, काबिल मजम्मत बात है, लेकिन बाद में अपने रवैये पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए, मैं सबसे पहले इसका इतराफ करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट जज्बात की जगह होती है। अगर मुझे कोई बोलने नहीं देगा, मैं बोलने आया हूँ, मैं अवाम की आवाज़, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम की आवाज़ हूँ। आप अगर नबूस रसालत के मामले पर मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मेरा हक है, रेजोल्यूशन आप लाएं, मुझे बात तो करने दें। मैंने बटन दबाया, मैंने इंतज़ार किया, स्पीकर साहब बुलडोज करना चाहते थे इस रेजोल्यूशन को। मैंने उसे कहा, पहले भी कह चुका हूँ कि स्पीकर की इज्जत उसके हाथ में होती है, मैंने 8 स्पीकर से काम किया, उन सब का आज तक एहतराम करता हूँ। तो स्पीकर साहब ना पार्लियामेंट के रवायात को समझते हैं, ना वो अपोजिशन को कुछ समझते हैं। अगर वो उन्होंने डायरेक्शन हुकूमत से लेनी है, फिर तलखी होगी। पार्लियामेंट में तलखी आवाम के लिए होती है, मेरा कोई ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है। ये आपने सुना, और आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी ने मुतालबा किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर से माफी मांगे। स्पीकर साहब के सामने जाके उनको मारने की बात करना बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी हरकत थी। मैं मुतालबा करता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी से कि किसी फोरम आने से पहले स्पीकर साहब से माफी मांगे। ये मुआशरे के लीडर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो खानदान के अंदर भी तशद्दुद होगा, मुआशरे के अंदर भी तशद्दुद होगा, बरादरियों में होगा, जिरगों में होगा, अदालतों पे होगा, हर हर उस फोरम पे होगा। लिहाजा इसको कंडेम करना पूरे मुआशरे का ये फर्ज है। मैं स्पीकर साहब से कहता हूं शाहिद खाकान साहब पे पाबंदी लगाई जाए, जब तक वो कौम से माफी ना मांगे उनको असेंबली का फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी की जूता मारने वाली बात का नोटिस लेते हुए उन्हें खत लिख दिया है। खत के मतन के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाजे करें। शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया यकीनन नामुनासिब था, लेकिन वजीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी ने नून लीग को जो इश्तियाल अंगेज ताना दिया, उसकी भी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। देखा यही गया है कि हर कुछ माह बाद अमन अमान का मसला सामने आ जाता है, अगर इसी किस्म की बातें चलती रहीं तो। चले, पार्लियामेंट में मामला आ ही गया है। वैसे बाय द वे हम कह रहे हैं ना, बार बार हुकूमत ने बिल पेश किया, हुकूमत तो कल जिन साहब ने बिल पेश किया एक टीवी टॉक शो में कह रहे थे कि मैंने एक प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल पेश किया, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्दो सारे बैठे हुए थे, ये सवाल डेफिनेटली बन रहा था कि भाई आप लोगों में से कोई क्यों नहीं उठा, तो यही बात थी ना। वो कहते हैं जी प्राइवेट मेंबर के हुकूमत, हालांकि मुआहिदा जाहिर है हुकूमत ने किया उनके साथ, कल अदम टीएपी के साथ। खैर, मामला यह है कि हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि वो मुस्तकबिल के लिए एक वाज़े पॉलिसी बना लें ताकि ये मामला हमेशा के लिए हल हो ही जाए। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के जरा मौकफ लेते हैं, उन दो कल इजलास में नहीं थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा।